गाइज कैसे हो आप लोग, और वेलकम है आपका एक और मेरे नए व्लॉग में। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी इतने दिन, और मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। तो आज फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर लिया जाए। और से हाय दियो। हाय। और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है दीदी आज अपन? क्योंकि पापा जी का बर्थडे है आज। विजेंद्र जी का बर्थडे है, और फिर हमने सोचा कि पहले माँ के पास चलते हैं, फिर देखते हैं, चलते हैं। आ चुके हैं गांव में, और गांव में शायद कोई प्रोग्राम चल रहा है, दिखाती हूँ। म्यूजिक था, डीजे था, तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वो कॉपी क्लेम का आ जाता है, साथ में इशू रहता है, तो इसीलिए मैंने उधर किया था, बट नहीं दिखाऊंगी मैं क्योंकि म्यूजिक आएगा बीच में। घर उतारी लो सामान, तो दीगु ना बहुत खुश है, दीगु भाग गया। किस तरफ है ये पता नहीं, मां देखते हैं। कट नहीं की थी। ये विजेंद्र जी के फ्रेंड विजेंद्र जी के साथ मजाक कर रहे हैं। आप बैठे हो इतना ही बहुत है इन खातिर। चल माँ के साथ हैंड लगा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूक तो मार दो। हैप्पी बर्थडे। वो दूसरी है ना, ये दूसरी है, तो लगाएंगे। ये अमन को ने खाया भाई, देख भाइयों का प्यार है। आपके बेस्ट फ्रेंड को तो खिलाओ। अरे यू आया मेरा छोटा देवर। ये खिलाया कि मौसी ने भी खिला दे। मौसी तो खिला मत, मौसी ने खिला दी। हाँ बैठन दें, तो क्यों उतारे दोबारा बन गई एक। हारे हो आप तो, कैसे बेटी जी है वहाँ जा रहे हैं। आया कहाँ करके आया यार, जूते गंदे और रेड फेस देखी, बिल्कुल रेड। कैसे हुआ ये इतनी ग्लो किस चीज की? मेरे दादी कर लिया साफ। न्यू तो हो ही, न्यू कोई बात नहीं, मैं वॉश कर दूंगी। टच मत कर लो, और के मत लगा दिखू यार। देख ये करती है साफ। ए मां क्यों सूट गंदा कर रहा है? ना मैं कल वॉश कर दूंगी ये शूज। माँ रहने दे, माँ प्लीज।
ये नहीं होगी, ये वॉश करने के बाद ही होगी माँ, ये पानी के साथ ही होगी जब वॉश करो। गाइस हिसार की तरफ चल पड़े हैं घर से, मतलब ज्यादा लेट होते तो फिर धुंध ज्यादा आ जाती है, फिर आगे कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो इसलिए हम फिर माँ को बोला कि अब निकल लेते हैं, माँ को मुश्किल हो जाएगा आगे सफर। और दीपू के पेट में हो गया दर्द, मेरी बीमारी पेंडा नहीं छोड़ती हमारा तो। एक डेढ़ महीने से एक डेढ़ महीना मैं बीमार रही, नहीं उठी, अब उठी हूँ, अब लगा कि चल यार ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। और आज अब दीपू कह रहा है मेरा पेट दर्द कर रहा है, बेचारा दीपू। यार किसी के पास कोई इलाज हो तो बताओ यार, बहुत बीमार रहते हैं यार। सच्ची में हम बहुत बीमार रहते हैं, मैं तो खासकर मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ। और 2022 तो मेरा ऐसे ही गया है, मतलब मोस्टली बीमार रही हूँ मैं। बताना क्यों रहती हूँ, क्या करना चाहिए मुझे ठीक रहने के लिए। खुश भी बहुत रहती हूँ मैं, कहते हैं खुश रहने से बीमारियाँ पास नहीं लगती, ना कोई टेंशन ना कोई दिक्कत, परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, शांति है, सुकून है। कहते सबसे अच्छी बात होती है कि परिवार अच्छा होना, तो कहते हंसता हुआ परिवार मतलब बीमारियों से दूर रहता है। और हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, मतलब मैं किसी भी तरफ से दुखी नहीं हूँ, और फिर भी बीमार हूँ पता नहीं भाई, एक बीमार हो दूसरा ठीक हो, दूसरा बीमार हो तीसरा, मैं देख मैं दोनों चक्र में ज्यादा बीमार हो जाऊँ। और फिर ये बाहर नहीं जा पाते कहीं पे भी, हम इसको स्टॉप हो जाता है, घर पे रोक लेते हैं कि नहीं जाना, और जाए भी कैसे, मतलब बीमार को छोड़ के जाया भी नहीं जाता, क्या कर सकते हैं भाई, चल रहा है जैसे तैसे करके चला रहे हैं। आप लोग सब देख रहे हैं कि काफी दिनों से कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं डाल पा रहे, कभी नहीं आ रहा था, ठीक नहीं थी तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं होती। तो अब उठे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ तो बनाते हैं। और आज फिर इनका बर्थडे भी था, मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि ये पैदा हुए तभी तो मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी अच्छी बनाई, तो इसीलिए फिर मैंने आज सोचा कि आज तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी। अब घर की तरफ चलते हैं, हमको साथ चलते हैं, ओके तो वहाँ जाके मिलते हैं आपको। कैंट पर लग रहे हैं ना, जाओ जाम में फंस के भाई, देखा 10 मिनट हो गए। ये गाड़ी वाला बड़ा ढीला है, इस ट्रक की वजह से है ये ना, ये ट्रक आउटसाइड आ रहा था विजेंद्र जी, और ये खराब हो गया था, इससे सारी गाड़ियां क्रॉस कर गई, इससे नहीं हो रही। ये वाला स्विफ्ट वाला वो बीच में आगे ला फिर घुस गया, क्या निकलेगी आगे है। पीएलए दिगू कहता है कुछ खाकर चलेंगे, और फिर विजेंद्र जी बोल रहे हैं चलो कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, एक ही फेवरेट है, और ये आके एक ही चीज मांगता है, क्या है वो, स्प्रिंग रोल। अभी ऐसे बोल रहा था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, फिर बेचारे का आराम हो गया, अब तो थोड़ा आराम हो गया, हंस भी रहा है वरना तो रो रहा था बहुत ज्यादा, अब आराम हो गया। ओ बच्चा और अब स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया, और मैंने आप लोगों को क्या दिखाएगा देखते हैं, मैं भी देखूंगा, दिखा भाई क्या है ये, देखना बच्चों को छोटी छोटी चीजें, मुझे दिखाओ हैंड पे रखो, ओ क्या पता आपको क्या बोलते हैं इसको, टेल मी मोर, इंग्लिश में पीकॉक, यस शाना है तू तो, यहाँ से इसको जो छोटा सा मोरा नहीं है यहाँ पे इसको होल बोलते हैं, पानी डाल के यहाँ से आएगा, क्यूट सा है ना आप जैसा। स्प्रिंग रोल सबसे पहले मैंने आई फर्स्ट दीगू के आए, और दीगू के फेस पे खुशी दिखाना, दीगू फेस पे खुशी दिखाना दीगू के फेवरेट है भाई, अब दीगू खाएगा। गाइस हम आ गए हैं घर, अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर हुए हैं, और कपड़े चेंज कर लिए हैं, मेकअप थोड़ी अभी रिमूव नहीं किया, अभी रिमूव करूंगी, आज मेरे से ज़्यादा ही लग गया था आईलाइनर, फिर मैंने लगा लिया, मेरे को लगा चला आज विजेंद्र जी का बर्थडे है, थोड़ी रेडी शेडी हो जाती हूँ, वो पता क्या कह रहे थे, बर्थडे मेरा है रेडी तू हो रही है मैंने चला है चलता है, वैसे तो मैं होती नहीं हूँ क्योंकि अब बीमार भी चल रही थी, तो मेकअप शेकअप तो बिल्कुल ही मेरा बंद था, और बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं क्योंकि मैं अब बाहर ही नहीं जाती, घर पर रहती हूँ सारा दिन,
और अब थक इसलिए जाती हूँ क्योंकि बीमार होने के कारण ना कैपेसिटी नहीं रही कहीं जाने की भी। मैं थोड़ी सी भी दूर चलती हूँ ना तो मेरे को ऐसे ही लगने लग जाता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और उनके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, बाप बेटे को दूध दे दिया, मेरा बाकी आवे पीना। और ये था आज का अपना व्लॉग, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।